भारतीय राजनीति के एक अग्रणी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला के राजघराने से आते हैं और भारतीय आर्मी में बतौर कमीशन्ड ऑफिसर अपनी सेवा दे चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह दो बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। पहले उन्होंने 2002 से 2007 तक पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था और फिर वर्ष 2017 मार्च से 18 सितंबर 2021 तक वो दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। पटियाला से विधानसभा के निर्वाचित सदस्य थे। उन्होंने 1980 में पहली बार लोकसभा में सीट जीती। राजनीति के अलावा 1963 से 1966 तक भारतीय सेना के लिए काम किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह का जन्म महाराजा यादवेंद्र सिंह और पटियाला की महारानी मोहिंदर कौर के घर हुआ, जो सिद्धू बराड़ के फुलकिया वंश से संबंधित थे। उन्होंने वेलहम बॉयज स्कूल और लॉरेंस स्कूल सनवार, ददून स्कूल देहरादून से अपनी स्कूली शिक्षा की। उनकी पत्नी प्रणीत कौर 2009 से 2014 तक एक सांसद और विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री थी। उनका एक बेटे और एक बेटी है। राजनीति में शामिल होने से पहले वो भारतीय सेना में थे। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी और इंडियन मिलिट्री अकेडमी से स्नातक करने के बाद 1963 में वो भारतीय सेना में शामिल हुए और 1965 में इस्तीफा देने तक रहे। पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ जाने के बाद वो फिर से भारतीय सेना में शामिल हुए और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध कप्तान के रूप में अपनी सेवाएं दी। वो सिख रेजिमेंट का हिस्सा थे। कप्तान अमरिंदर सिंह एक गहन लेखक भी हैं और उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं। उन्होंने युद्ध और सिख इतिहास पर किताबें लिखी हैं, जिनमें इरिज टू फार, लेस वी फॉरगेट, द लास्ट सनसेट, राइज एंड फॉल ऑफ लाहौर दरबार और द सिख इन ब्रिटेन, 150 साल की तस्वीरें शामिल हैं। उनके सबसे हालिया कार्यों में इंडियाज मिलिट्री कंट्रीब्यूशन टू द ग्रेट वॉर 1914 टू 1918, जिसका विमोचन 6 दिसंबर 2014 को चंडीगढ़ में किया गया, और द मानसून वॉर यंग ऑफिसर्स रिमिनाइज 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर, जिसमें 1965 भारत पाक युद्ध से जुड़ी उनकी यादें शामिल हैं। वो पोलो राइडिंग, क्रिकेट, स्क्वैश और बैडमिंटन जैसे खेलों में विशेष रुचि रखते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह 2013 से जाट महासभा के अध्यक्ष हैं। मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब यूके, नौसेना और सैन्य क्लब, लंदन गोल्फ क्लब, दिल्ली जिमखाना क्लब पटियाला और अधिकारी संस्थान पटियाला के सदस्य भी हैं। अगर बात करें उनकी राजनीतिक घटनाक्रम की, तो कप्तान अमरिंदर सिंह 1980 में राजीव गांधी ने कांग्रेस में शामिल किया था और पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। राजीव और अमरिंदर स्कूल के मित्र थे। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान सेना कार्रवाई के खिलाफ एक विरोध के रूप में संसद और कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। इसके बाद वो शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए। 1985 में अमरिंदर सिंह तलवंडी साबो सीट से पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अवतार सिंह को हराया। बाद में वो कृषि, वन विकास और पंचायतों के लिए राज्य सरकार में मंत्री बने। वहीं 1992 में अकाली दल से इस्तीफा दे दिया ताकि शिरोमणि अकाली दल पंथिक नामक एक स्प्लेंटर समूह बन सके, जो बाद में कांग्रेस में मिल गया। वहीं 1998 में अमरिंदर सिंह ने पटियाला संसदीय क्षेत्र से पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन प्रेम सिंह चंदूमाजरा के खिलाफ हार गए। बाद में उन्होंने कांग्रेस के साथ शिरोमणि अकाली दल पंथिक का विलय किया और अपने पुराने मित्रों से जुड़ गए। 1999 में उन्हें पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और 2002 तक इस पद पर बने रहे। वहीं 2002 में वो 26 फरवरी 2002 को पंजाब के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 1 मार्च 2007 तक मुख्यमंत्री के रूप में अपना पहला कार्यकाल पूरा किया। 2008 में उन्हें पंजाब कांग्रेस अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। 2016 तक रक्षा मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति और रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी थे। वहीं 2014 में पंजाब विधानसभा में 5 बार सदस्य के रूप में चुना गया, जिसमें 3 बार उन्होंने पटियाला शहर का प्रतिनिधित्व किया और एक एक बार समाना और तलवंडी साबू का। उन्होंने 23 नवंबर 2016 को लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह से पंजाब विधानसभा चुनावों में जुट गए। 2017 में कांग्रेस ने बहुमत के साथ विधानसभा चुनाव जीता और कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने। उन्होंने पंजाब के 26वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं 2021 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।